So guys, good morning. I hope all of you are doing fine. Welcome back to my channel, Asif's Life. And यार अभी हम निकले अकेले. एक्चुअली भाई वो लोग का हो चुका है आज का कोटा पूरा. वो लोग कोई सुबह उठ नहीं रहा और भाई हम लोग भाई सनराइज छोड़ दिए हैं. हम भी उठ नहीं पाए टाइम पे और तो कोई उठा ही नहीं है तो बोलना ही नहीं कोई नहीं. और ये लास्ट डे है. बहुत मिस कर रखी है, सनराइज छोड़ दिया. नेक्स्ट टाइम मे बी वेरी सून. हम सोच रहे कि जाते हैं बीच पे, उधर पे तो देखते हैं व्यू और थोड़ा कुछ खाते हैं. यार भूख भी लगा हुआ है और भाई कोई एक जन साथ आता ना यार, साथ में फ़ोटो ले लेता यार मेरा. बस अब फोटोज नहीं ले पाया कोई मेरा. भाई जो ही बोल भाई, सबसे पहले तो हमको एक कॉफ़ी चाहिए भाई. गला पूरा एकदम बैठ गया है. होपफुल यहाँ पे मिलना चाहिए. अंडी कॉफी है क्या? अभी जो पानी है बहुत आगे तक आ गया. लास्ट टाइम तो बहुत दूर तक मतलब कल था. तो बोल रहा है 600 वो जो बोल रहा है अप एंड डाउन 5 किलोमीटर घुमाएंगे. बहुत मजा आएगा. अब तो ठीक है, ये तो जूता तो ही पहन के आया हूँ. अरे वरना पानी नहीं गिल्ला नहीं होगा. ये वाला लेके जाना है, जाएगा उसको थोड़ा धीरे चलाना है. बोलना धीरे चलाना, एक हाथ में पकड़ रखना और एक हाथ में रगड़े करना. धीरे चलाना बोलना होगा उसको. तो भाई वो हमको करना, हम सोच रहे अब कर ही लेंगे यार. इतना जब खर्चा कर ही दिया, इतना कुछ कर ही दिया तो भी कर ही लेते हैं. क्या ही है ये जो नारियल का हम लोग को 30 रुपये में दे रहा था. आज आंटी 40 हुए थे, ऑब्वियसली ज़्यादा ही है. एक्चुअली कल हम लोग को 2 हम लोग को 50 में दे रहा था और 1 तो 30. बट ठीक है कोई नहीं, 40 बोली थी बट ये दी हैं 30 में, तो बार्गेन करना पड़ता भाई. हम सोचा कि पीते पीते चल जाएंगे लेकिन आंटी मना कर दिया. तो यहाँ पर रास्ता में नहीं फेंकने के लिए क्योंकि बहुत ये एक्सीडेंट भी होने का डर रहता है और गंदा भी हो जाएगा ना इसी वजह से. यहाँ पर बास्किन रॉबिन्स भी है और मेरा बास्किन रॉबिन्स में जाने का मन तो था. सोचे थे कल की आज ले लेंगे बट नहीं यार, अभी जो मेरा हालत चल रहा है ना, अगर अभी हम आइसक्रीम खाए ना भाई मेरा पूरा तबीयत पूरा ख़राब हो जाएगा. तो इससे अच्छा चुपचाप से घर चलो. भाजी पूरी अभी मुड़ी सुनी अभी डिम तो सब बाटा तो सब एक मिनट पड़ा अच्छा भाई. जी चावल नहीं होते जी तो हमारे दे दो. जी चावल इडली विडली आ जाए ना. इडली अभी ना दादा भाई, वो इडली अभी भाजी खाओ. टोटल्स बहुत ज़्यादा है और भाई सबको अपना अपना सेल करने के लिए भाई इतना तो करना ही पड़ता है. हाँ कोई नहीं, आज देखते हैं. आज दोपहर में हम लोग का मन तो था कि कॉफ़ी हाउस में खाते हैं. यहाँ पे कॉफ़ी हाउस में काफ़ी सही है, उसका जो स्ट्रक्चर बना है काफ़ी सही बना हुआ. बट देखते हैं अभी क्या करते हैं क्योंकि हम लोग रहते भी है कि नहीं दोपहर में इस साइड पता नहीं. 8 बजने वाला सबका अभी तक, अभी तक साला सोया हुआ है. सर अनुराग तो बेटा कल तो रात को बेटा यूट्यूब देख रहा है, अभी ज्योग्राफी देख रहा है बैठ के. अबे उठ भाई उठ, 10 बजे छोड़ना पड़ेगा. नाश्ता करने जाएंगे फिर आएंगे तो भाई उठ तो बाथरूम जो सब एक ही बार जाएगा. एक ही को है हाँ तो बैग यहीं छोड़ देंगे अपना, तो स्टेशन तो यहीं पड़ा है. घूम के आएंगे बड़ा बैग लेंगे स्टेशन चल जाएंगे और तब भारी बैग ले कहाँ कहाँ घूमते रहेंगे. आपका स्वागत है बिग बॉस के हाउस में. सब गाना बज चुका, सबको उठ के डांस करना है. Dating girl, let's go. Open calendar.
सिखावे अब उठना था सोना नहीं तबे फिर तो जा रहे न्यू दीघा बीच यार आज दो बार न्यू दीघा बीच अप डाउन हो गया सुबह से एक बार हम जाए थे घूम के और वो जेट स्की जो हमको करना था वो आज करके ही जाएंगे भाई करके ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा वो जेट स्की तो कोई नहीं रोक सकता इसे दो दोस्त भी लेकर जा रहे हैं साथ में इसके बाद मोहाना का हम लोग का प्लान है सबके साथ जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे फिर मोहाना जाएंगे फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है फिर 6 बजे तो हम लोग का ट्रेन भी है घर का उसके लिए वापस हम लोग ये न्यू दीघा भी आना होगा और अपना लगेज भी सोच रहे यही रूम पे रख देंगे एंड देन घूम के आएंगे आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पानी जो है यहाँ तक आ चुका है रॉक्स के पूरा ऊपर तक सो इसके वजह से जेट स्की जो है बंद हो चुका है हमको समझ नहीं आ रहा है उपाना चाहते ही नहीं कि हम करें बार बार साला ही रुकावट आ रहा है बार बार साला नहीं कर पा रहे हैं हम ठीक है कोई नहीं अब अगली बार आएंगे तब करेंगे सनराइज भी देखेंगे और ये भी करेंगे कोई नहीं अब वापस चलते हैं पूरा मूड ऑफ हो गया यार चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है लेकिन पता नहीं इसमें क्या अच्छा है तो चलते हैं ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं और भी जगह एक्सप्लोर करते हैं शाम को निकलना भी है सो गाइस वी आर रेडी टू लीव नाउ एंड लेट्स गो चेकआउट करते हैं एंड हम लोग अपना लगेज जो है ना यहीं पर हम लोग रखने वाले हैं हम लोग को बात हो गया तो ये लोग बोले थे रूम में रख देने के लिए कोई इशू नहीं होगा मतलब अपना लगेज यहीं रख देंगे अभी बस बात कर लेते फिर रख देंगे एंड देर फिर हम लोग जैसे घूम के 6 बजे का ट्रेन लेकर चल जाएंगे क्योंकि उससे सेंस नहीं बनता दिन भर तो बाहर रहेंगे रूम रख लेकर के रेंट पर रखने का कोई सेंस नहीं बनता इसीलिए मतलब यहाँ पर स्टाफ लोग बहुत अच्छे थे यहाँ हम लोग का लगेज भी रखने के लिए दे दिए क्योंकि हम लोग तो चेकआउट कर लिए तो वो लोग अपने रूम में हम लोग का लगेज रखने के लिए दे दिए हम लोग उनके रूम में लगेज रखे फिर शाम को जब इधर से ट्रेन के लिए निकलेंगे 6 बजे का ट्रेन तब हम लोग लगेज लेकर लो निकल जाएंगे चल कुछ खा लेते आ जा कुछ खाया तो है नहीं अस्सी दादा हाँ अभी फिर ब्रेकफास्ट करते हैं फिर अमरवती पार्क जाने का प्लान है एंड उसके बाद कैसे कैसे क्या होता है आप लोग को दिखाते आगे हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है ख़त्म और हम लोग जा रहे हैं अमरवती पार्क तो अभी अमरवती घूमते हैं उसके बाद यहाँ पे साइंस सिटी है एक्वेरियम है वो दोनों घूम के फिर हम लोग का देखते हैं अभी नेक्स्ट आगे क्या प्लान बनता है अभी तो ये 3 प्लान है अभी का तो पहले इसको घूमते हैं यहाँ पर 10 रुपीज पर टिकट है इधर अंदर चलते हैं अभी कहाँ जाए 5 बजे अच्छा रहता है वहाँ अभी इधर साइंस सिटी है एक्वेरियम है बाकी सी बीच है अभी मोहना में कुछ है सागर पार्क जो है वो शाम के टाइम ठीक है शाम को गए तक लेंगे कुछ 80 रुपीज़ करके टिकट है एंड उसके बाद हम लोग उससे एक बार पूरा पार्क एक राउंड मार लेंगे एंड फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे टिकट हम लोग मोबाइल में आ चुका है एंड लेट्स गो चलो आजा आजा एंट्री इधर आइए अबे तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपना इस पार्क से एंड अब हम लोग जाएंगे एक्वेरियम उससे पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं एक्वेरियम उसे सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं एक्वेरियम अपना एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस अभी टिकट लेते हैं एंड देखते हैं और क्या क्या करना है भाई इधर पे
ये जो एक्सीलेटर है ना, ये एक्चुअली व्हील का एक्सीलेटर है एंड और देखते हैं अंदर और क्या क्या है। तो अभी जस्ट जैसा लोग एक्वेरियम से निकले हैं, एक्चुअली एक्वेरियम के थोड़ा आसपास ही इधर भी साइड में और उस साइड भी थोड़ा छोटा सा गार्डन है, बट कुछ बैठने कुछ खास है नहीं, मतलब नहीं रुक रहे हैं एंड और अंदर इतना वीडियोज अलाउ नहीं था, बट थोड़ा बहुत हम लोग ले लिए थे तो वो आप लोग को दिखा देंगे एंड अब कंटिन्यू करते हैं आगे, हम लोग मुहाना चलते हैं। ये सब फिश ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ से। तो ये हम लोग आ चुके हैं मोहना बीच एंड ये पूरा मोहना बीच है, वहाँ पे एक डाब का वहाँ पे हम लोग डाल लिया है और वो सब जो है वो सब फिशिंग बोट्स है, सारे बोट फिश कर वापस आए। और ये अगर सुबह में आते तो यहाँ पे सनराइज काफ़ी अच्छा देखने मिलता है और इस साइड एक्चुअली क्या है ना, इधर दोनों साइड से पानी है, दोनों साइड से पानी और सामने बीच में चलने का, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पे सब और यहाँ पे फिश विश का सेलिंग भी होता है सुबह सुबह, जो लोग सुबह सुबह आते हैं। जो यहाँ पे व्यू मिल रहा है ना, लवली, मतलब जो एक्सपीरियंस है ना, कल का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था और आज का पूरा टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज़ भी आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली जो ये जो बीच है ना भाई, देखने में जो सुंदर लगता है, वाह वाह प्रे लव दिस बीच है। भाई कौन बोलता है भाई दीघा अच्छा नहीं है, गोवा अच्छा है भाई, दीघा भी अच्छा है, आके तो देखो भाई। ये सब जो प्लेसेस है ना यहाँ, और भी अच्छे अच्छे प्लेसेस है, हम लोग तो बस कवर नहीं कर पा रहे, और भी अच्छा अच्छा प्लेस है भाई, तगड़ा तगड़ा प्लेस है भाई, तगड़ा तगड़ा प्लेस है। बस दो तो बीच तो बहुत फेमस है, ओल्ड दीघा और न्यू दीघा, बट और भी जो प्लेसेज है ना भाई, बहुत सही प्लेसेज है, सब जगह आओ। और आओ तो सबसे पहले पता है यहाँ का जो टोटो है, टोटो वाले जो होते हैं, जो ऑटो वाले होते हैं, जो लोकल्स हैं, उनसे पूछो कि कहाँ कहाँ वो घूम सकते हैं, उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होता है। अपना ये सब बन चुका है मिट्टी का कारीगर एंड अब जा रहे थे बस फोटोज लेने, उसके बाद भाई तोड़ने का भी कार्यक्रम करना है। अभी अभी हम लोग ने बनाया है मिट्टी का ताजमहल, ऐसे कारीगर है हमारे इमरान मंसूरी जिनका हाथ काटा जाएगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हम सब दोस्त मिलकर यहाँ आ चुके हैं एक सारा डिजर्ट में, बहुत तपती गर्मी है, राजस्थान फील है। मैं आया हूँ इधर सहार डिजर्ट में लाखों कोस दूर अपने घर से, हम जाएंगे सर वहाँ दिखाइए, मैं चश्मा का इमरान वहाँ जाएंगे। आ चुके हाजी बिरयानी के लिए, हम लोग मोहाना बीच से निकल गए थे करीब करीब आधा घंटा पहले। यार भाई कैमरा में चार्ज ही खत्म हो गया था, सब शूट कर देगा, तो अब हम लोग जा रहे हैं हाजी बिरयानी एंड लेट्स बिरयानी का बिरयानी ग्रेवी ले लो मसाला के लिए। हम लोग अपना जो है लगेज कलेक्ट कर चुके हैं होटल से एंड अब निकल रहे स्टेशन के लिए। अब भाई स्टेशन में थोड़ी देर बैठेंगे, 15 हो रहा है, एक घंटा बाद ट्रेन है, तो ये स्टेशन पे बैठेंगे फिर उसके बाद कोलकाता निकल जाएंगे। तो बहुत थक चुके हैं और घूमने का मन नहीं है, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो दो दिन या तीन दिन के आएंगे तब और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, हो सके तो भाई हम तो सोचा बाइक से आएंगे। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं दीघा स्टेशन पर एंड इस ब्लॉग को हमको लगता है खत्म एंड करने का बहुत अच्छा समय आ चुका है।
अभी मैं गला में जान नहीं बचा कि हम इस और ब्लॉग को कंटिन्यू कर पाए और मैं आवाज़ ऐसा हो गया समझ नहीं आ रहा है अब हमको क्या करना चाहिए। हमको एकदम कड़ा कॉफ़ी चाहिए अभी, दो एक नहीं दो कॉफ़ी चाहिए क्योंकि अभी हम पियेंगे। ब्लॉग करते हैं एंड सब लोग मिलते हैं फिर एक नया ब्लॉग नया मस्ती और नया चीज़ के साथ। बाय बाय।